पाक लिए चलेंगे आपको। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का हल्का LA 15 है, यहाँ पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में तसादुम हुआ है। ज़हीर अली से मजीद बात करते हैं। बिल्कुल, ज़हीर अली से मजीद तफ़सीलात जानते हैं। जी ज़हीर अली, अभी क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये हल्का LA 15 वस्ती बाग है जहाँ पे PTI के सरदार तनवीर इलियास और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाल कमर मैदान में और बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी तगड़े हैं। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 86 है, यहाँ पे PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है लाइन में, उनसे आपस में लाइन में लगे लगे एक दूसरे तल कलामी हुई, जिसके बाद बात आगे बढ़ गई, कुर्सियाँ चलाई गई और बीच में FC को आना पड़ा, पुलिस को आना पड़ा। पुलिस की जानिब से और FC की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद अब पोलिंग का अमल जो है इस पोलिंग स्टेशन पर 86 पे रोक दिया गया है और हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। रेंजर्स के अहलकार भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हालात नॉर्मलाइज किए जाएं और 10 से 15 जो अफराद हैं उनके जख्मी होने की इतलात हैं, उनको जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जो पोलिंग का अमल है उसको रोक दिया गया है और जो सिक्योरिटी का अमल है वो जो रेंजर्स और के जो अहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कारकुनान जिनमें तसादम किया है उनको पुलिस भी गिरफ्तार करके ले गई है और अमन अमान की सूरत हाल जो ही बरकरार होगी, हालात नॉर्मल होंगे तो दोबारा से पोलिंग शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है, जैसे हालात नॉर्मल होंगे तो फिर इसके ऊपर जो है दोबारा पोलिंग शुरू कर दी जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया ज़हीर।